वालेकुम। आज हम यहाँ पे देखेंगे कि हमने EPI वाले बच्चे को कैसे ऐड करना है। सपोज़ अगर हमारे पास बच्चा आ रहा है पेंटा PCV की डोज़ का टाइम है उसका, और हमने उसको इसी ऐप में किस तरह जाके उसका फॉर्म फिल करना है। हमें मोस्टली लोगों को ये नहीं पता चल रहा कि वो फॉर्म कहाँ आता है। यहाँ पे हम EPI की रजिस्ट्रेशन कहाँ कर सकते हैं EPI वाले बच्चे के लिए, तो वो मैं आपको आज यहाँ पर ये बताऊँगी। सबसे पहले आपने करना है रजिस्टर। रजिस्टर में जाके सेलेक्ट करना है मदर को। मदर को सेलेक्ट करने के बाद मदर का CNIC ऐड करना है। ओके, CNIC को मैं यहाँ कॉपी कर लेती हूँ क्योंकि मुझे आगे ऐड करना होगा, बार बार टाइप करना। चले, यहाँ पे सर्च कर दिया। अब फर्स्ट नेम हमारे पास बच्चे का है आयशा, सेकेंड नेम लास्ट नेम है उसका रमज़ान, उसके फादर का नेम उसके इस नाम के आगे लगाया हुआ है। ओके, एड्रेस है इसका बारथी, मदर नेम है इसका रिजवाना। ओके रिजवाना, इसकी डेट ऑफ बर्थ। अब हमने यहाँ ध्यान रखना है ख़ास कि ये फॉर्म जो हमने ओपन किया इसमें हमने ID कार्ड उसका मदर का लिखा है, उसकी मदर का, और उसके बाद उसकी डेट ऑफ बर्थ और उसकी सारी डिटेल हमने उसके बच्चे की लिखनी है। ठीक है, 6 वीक्स पहले की डेट ऑफ बर्थ हम लिखते हैं पेंटा का, अगर हमने प्रोसीजर करना है तो। अगर हमने PC उसकी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 6 वीक्स पहले की ही बनेगी अगर पेंटा उसका लगने का टाइम आ चुका है तो। इसी तरह अगर मीज़ल हमने लगाना है तो उसके लिए हम उसकी 9 माह पहले की डेट ऑफ बर्थ होगी। ऑब्वियसली 9 माह पहले की जब डेट आप ऐड करेंगे तो आगे जाके कहाँ जाके वो फॉर्म ओपन होता है वो मैं आपको बताती हूँ। अभी हम कर रहे हैं ये पेंटा के लिए। ठीक है, अब मेरे पास बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है 1 मई। ओके, मंथ मेरे पास मई है, ईयर 2022 है, डिस्ट्रिक्ट डीजी खान, तौसा शरीफ, NA। ओके, रजिस्ट्रेशन नंबर हमारे पास है 13, बर्थ एड्रेस बारथी, फादर नेम हमारे पास है इसका रिजवान, फादर CNIC मैंने कॉपी किया हुआ था उसी को यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया, सेकेंडरी मोबाइल नंबर हमारे पास है ये, मदर अलाइव है यस, प्लेस ऑफ बर्थ है हमारे पास RHC, सिबलिंग्स उसके कोई नहीं है, पहला बच्चा है। यहाँ पे फिर पिक बना लेनी है बच्चे की। पिक हो गई, अब हमने कर देना है इसको सबमिट। जेंडर मैंने नहीं सेलेक्ट किया। ओके, आयश फीमेल थी हमारे पास जेंडर। उसके बाद ये डाटा सेव हो गया, हमने ओके कर दिया। उसके बाद अब हम जाएंगे एग्जामिनेशन में। अब देखें यहाँ पे उसका ये पूरा का पूरा ओपन होके आ गया। ये यहाँ पे देखें पेंटा PCV OPV जो जो उसके बनते थे ना 6 वीक्स पे, वो सारी वैक्सीनेशन वाला फॉर्म ओपन हो गया। अब आपने इसको फिल करना है इस फॉर्म को और यहाँ से सबमिट कर देना है। यहाँ से आपने EPI वाले बच्चे की रजिस्ट्रेशन और वैक्सीनेशन ऐसे ऐड करनी है। याद रहे ये फॉर्म कौन सा ओपन होना है ये डिपेंड करता है बच्चे की डेट ऑफ बर्थ पे। बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 6 वीक्स पहले की होगी तो वो ऑब्वियसली ये वाला पेंटा फर्स्ट। अगर 14 वीक्स की होगी, इम्यूनाइजेशन का शेड्यूल मुझे ठीक से याद नहीं है, खैर आप अपने सामने वैक्सीनेशन वाला कार्ड रख के उसको भी देख सकते हैं ये फॉर्म फिल करते हुए। ओके, उसके बाद
उसके बाद आपने करना है, अगर मीज़ल के लिए आपकी बनी है तो 9 माह पहले की डेट ऑफ बर्थ जब बच्चे की ऐड होगी ऑटोमेटिकली आपके पास मीज़ल वाला फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो ये इतना सा प्रोसीजर है, आप इसको देखें करें, अगर नहीं समझ आए तो फिर मुझसे पूछ लें। आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।